बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव रंगपुर स्थित श्री गुरु रविदास आश्रम से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह श्री गुरु रविदास आश्रम पर स्वामी वीर सिंह हितकारी द्वारा अमृत वाणी पाठ किया गया। दोपहर को रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की बैंड बाजे के और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में स्वामी वीर सिंह हितकारी संत रविदास के विचारों और संदेशों का बखान कर रहे थे। शोभा यात्रा के पूरा होने पर सत्संग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश से आए अनेक अनुयायियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समापन के मौके पर अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। गुरु रविदास जी महाराज और उनकी परम भक्त परम संत मीराबाई जी महाराज जी की भव्य शोभा यात्रा और रात्रि का संत समागम और दो दिवसीय भंडारे का आयोजन, ये इस आश्रम का वार्षिक कार्यक्रम है। और आज इस अवसर पर इस पावन धरती की ओर से, मिशन की ओर से और अपनी संस्था की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हमारा जो लक्ष्य है वो है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाओं को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना। गुरु रविदास ऐसे समय काल में भारत भूमि के पावन धरातल पर प्रकट हुए जब ये देश अनेकों प्रकार की कुरीतियों, नाना प्रकार के आडंबरों और बहुत सारी कुव्यवस्थाओं से घिरा हुआ था। इतना ही नहीं, देश गुलामी की जंजीरों में भी जकड़ा हुआ था। ऐसी अवसर पर एक ऐसी किरण, एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा सूर्य प्रकाशित हुआ भारत की भूमि पर, जिसने इतना सारा प्रकाश दिया कि मेरी रचना में वो शब्द नहीं जो मैं वर्णन कर सकूं। हम उनकी वाणियों को जब ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाणियों के अंदर उसका भूमिका है, जो उसका प्राकथन है। ऐसा चाहूं राज में जब मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो। भारतीय संविधान में सबके अधिकारों को सुरक्षित रखा। तो ऐसे ही संत गुरु रविदास महाराज जी का जो बेगमपुरा सपना है, जहाँ किसी को कोई दुख ना हो, कोई अंदेशा ना हो, एक ऐसा देश, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर व्यक्ति पांव पसार करके आजादी की सांस ले सके और वो अपने आप को मानव महसूस कर सके कि मैं भी मानव हूँ। तो हम उसी दिशा के अंदर कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास है, हमारे यहाँ सभी धर्मों के धर्माचार्य आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पर्शियन, भाई, तमाम धर्म। भारतीय सर्वधर्म संसद नाम से हमारी एक संस्था काम करती है। सब समे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने किसी जाति, क्षेत्र, भाषा और नस्ल से ऊपर उठ करके मानवीय जो लक्षण है उनको पूरी तरह से मानव जाति के बीच में उनको प्रचार प्रसार करने का कार्य किया और मानवीय गुणों से मानव को परिपूर्ण करने का काम किया। श्री रविदास संवत 1433 को काशी जी के अंदर गुरु रविदास जी का आगमन हुआ और वो दिन था माघ पूर्णिमा का। और इनके जीवन काल से संबंधित ये बात दुनिया में विख्यात है कि ये दुखियों के कल्याण के लिए प्रकट हुए। प्रसन्नता दुखी कौन थे? दुखी वो थे जिनको मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। और वो लोग कौन थे, इससे आप भी अछूते नहीं है और मैं भी अछूता नहीं हूँ। यहाँ का बहुत बड़ा वर्ग जो है वो रोता था क्योंकि उसके पास मानवीय अधिकार नहीं थे। तब संत गुरु रविदास जैसी महान शख्सियत ने ऊपर उठ करके यहाँ लोगों को संदेश दिया। जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग मानुषता को खाते हैं रविदास जात का रोग। जाति का फ्रेम जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसने हमें जकड़ा हुआ था, सबसे पहले उसी को चोट गुरु रविदास ने मारी, जिसने हमारे भाईचारे में, जिसने हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता में कहीं बाधा जो बना हुआ है, इस जातिवाद के दंश को गुरु रविदास जी ने झेला। और उन्होंने इस बीमारी का निराकरण बताया कि जब तक जात जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके, जवनो जात न जात। सर, जो गांव में संत रविदास का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, कितने वर्षों से किया जा रहा है और किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ये कार्यक्रम लगभग 25 से 30 साल के अंतराल हो गया इसका, तो तब से ही ये चल रहा है। निरंतर हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। गांव के साथ साथ समाज और राष्ट्र के बीच में हम भाईचारे की भावनाओं को
समता, करुणा और मैत्री की भावनाओं को जन्म देने के लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष कराते हैं। हमारा गांव इस मामले में बहुत अच्छा है। सभी जाति धर्म के लोग संत गुरु रविदास महाराज जी की भव्य शोभा यात्रा में शरीक होते हैं। इस कार्यक्रम में कितने प्रदेशों से लोग आते हैं? इस कार्यक्रम में भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोग आते हैं, जैसे कि मध्य भारत से आते हैं, उत्तर भारत से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, महाराष्ट्र से लोग यहाँ पर आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, गुजरात के लोग होते हैं, पंजाब के लोग होते हैं, हरियाणा से बहुत लोग आते हैं, चंडीगढ़ से लोग आए हुए हैं बहुत सारे, तो उत्तराखंड से लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत लोग हैं, दिल्ली के लोग आते हैं। तो ये धीरे धीरे करके, और अब इस कार्यक्रम पर पूरे विश्व की नज़र होती है। ये जो कार्यक्रम किया जाता है कितने दिनों के लिए किया जाता है? ये कार्यक्रम 2 दिवसीय होता है। आज शोभा यात्रा है, रात्रि का समागम, और आज और कल 2 दिन का निरंतर भंडारा अटूट लंगर बरताया जाता है।